हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आशा करते हैं आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। शाम का समय है, शाम के 5 बज चुके हैं। घड़ी में हमारे घर में तो बहुत अलग ही सीन होता है। शाम के समय कोई सोया रहता है, कोई उठा रहता है, कोई घर पे नहीं होता। आज मैं घर पे था तो देखा, मम्मी ने इसको पकड़ा, ये जिस लकड़ी पर बैठता वो लकड़ी तो काटता ही काटता, उसका तो कोरवा बना दिया। मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो मम्मी ने पकड़ा इसको, एक नई लकड़ी दे दी। ले भाई ये देखो लकड़ी की हालत इसने क्या कर दी। मतलब जिस लकड़ी पे बैठता है यही नहीं पता कि मैं इस लकड़ी में बैठता हूँ, इसको अगर काट दूंगा तो फिर कहाँ से आएगी लकड़ी। उसी को काटने में लगा रहेगा, काटने में लगा रहेगा। एक नंबर का बेवकूफ़ है हमारा तोता। तो मम्मी ने पकड़ा इसको, दूसरी लकड़ी पकड़ा करके दे दी, ले इसको काट। अभी काट रहा है लकड़ी, तो मैं इससे बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो देख रहा है एकदम कि क्या कह रहा है, किससे कह रहा है मेरे बारे में। बढ़िया करके पहले बहुत देर तक घूरता रहेगा घूरता रहेगा, फिर ये कहता है हट, तू बोल ले, तेरे को जो करना है कर, मैं तो अपनी लकड़ी काटूंगा ही काटूंगा। क्योंकि ये लकड़ी काटेगा, मतलब हर 1-1.5 हफ्ते में इसके झूले में से लकड़ी गायब हो जाती है। ये लकड़ी को तोड़ के फेंक देता है पूरी, मतलब एकदम बुरादा हो जाता है वैसा कर देता है। उसके बाद फिर पापा इसके लिए लकड़ी डालते हैं, हम तो इतना टेप बर्बाद करते हैं, पहले लकड़ी लगाएंगे इसके लकड़ी हिले ना करके, फिर पापा इस पूरी लकड़ी में टेप लगा देते हैं इसके किनारों से लकड़ी हिले ना। पर हमारा मिट्टू इतना बड़ा वाला है, लकड़ी तो काटता ही काटता है, आखिर में टेप जो बचा रहता है उसको भी दांतों से चोर चार के एकदम खरोड़ देता है, एकदम चिंगोड़ देता है। अभी इस लकड़ी की जब तक पूरी बैंड नहीं बिटाएगा तब तक छोड़ेगा नहीं। हमारी मम्मी इसको देखो अभी परेशान करने के लिए उसको उंगली दे रही है, ले काट वाल उंगली काट, जैसे लकड़ी को काटा उंगली काट। पर इतनी अच्छी तो अब आदत हो गई कि हम लोग के हाथ हाथ को तो कभी अटैक नहीं करता। ये तो अभी इसको बड़ा हो रहा है तो समझ गया है कि ये मेरे घर के लोग हैं, इनके हाथ को कभी अटैक नहीं करना है। पर लकड़ी को नहीं छोड़ता, उंगली को तो कुछ नहीं करेगा। अभी थोड़ी देर परेशान वरेशान करेंगे तब भी कुछ नहीं करेगा, कि पता है कट जाएगी तो लग जाएगी हम लोग के हाथ में। पर लकड़ी को नहीं छोड़ता, लकड़ी को ऐसे चबाता जैसे कि गन्ने का लकड़ी चूस रहा, गन्ने नहीं चूसते हैं वैसे चूस रहा गन्ने को, एकदम पूरा लकड़ी तोड़ने के पीछे पड़ा हुआ है। मैंने आगे तक लंबी लकड़ी थी, इसने खरोड़ खरोड़ के काट काट के, क्योंकि ध्यान इसका भटकाना जरूरी है, नहीं तो ये अपनी बैठने वाली लकड़ी तोड़ देगा, फिर काम पड़ जाएगा, फिर कहाँ बैठेगा, फिर नीचे बैठ रहेगा। इस चक्कर से नई लकड़ी दे रखी है तो इसको लो भैया पूरा काटने में लगा हुआ है। अब अपनी पानी की कटोरी पीछे रख रखी है, पानी से उसने फेंक दिया होगा पहले ही, मेरे को इतना तो पक्का पता है। ये पानी बचाता कहाँ है, पानी यानी एकदम फेंक फूक करके बैठा होगा। पर अब इस लकड़ी के साथ संघर्ष देखो इसका, मतलब जैसे कि कितनी मेहनत कर रहा है, बीच बीच में थक जा रहा है तो एकदम लकड़ी भी रख दे रहा है। पर कोई ले जाना नहीं चाहिए, अब हम लोग को तो कुछ नहीं कहेगा, अगर कोई नया आदमी अगर इसकी लकड़ी में हाथ लगाए तो ये उसको काट देगा। लकड़ी के साथ मतलब इतना वो है कि एकदम गुस्सा निकालना है लकड़ी में, सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है एकदम। लकड़ी पकड़ के अभी ऊपर भी बैठ सकता है, लकड़ी को ऊपर बैठ के काटूंगा, इसका कुछ मूड का पता नहीं। अभी थक गया 2 मिनट रुक जाएगा, वेट करेगा एकदम बढ़िया करके, फिर लग जाएगा काम पे अपने, मतलब काम इसका इतना बड़ा है। पर ये भी ठीक है, अभी आजकल तो मैं इसको नीम की लकड़ी दे रहा हूँ, क्योंकि नीम की लकड़ी आजकल हमारे वहाँ पर को हो नहीं रखी है। पेड़ पर बड़ी बड़ी टहनियाँ ही है, टहनियाँ मैं तोड़ पा नहीं रहा हूँ ऊपर बहुत है, वो इस लकड़ी को दे रहा हूँ। लकड़ी देना भी ज़रूरी है, चोंच चोंच जो खुजाती होती है वो ठीक हो जाती है। तो आप लोग के पास भी अगर मिट्टू पैरेट वैरेट है, तोता होता है, तो आप भी उसको लकड़ी वकड़ी दीजिए, उससे वो खेलेगा अपने आप, खेलता रहेगा तो हेल्थी रहेगा, एकदम बैठा ना रहे कहीं पर को भी, बरसात का मौसम है, खेलते रहे लकड़ी अपने अपने आप काटता रहे, चुस्त दुरुस्त एकदम तंदुरुस्त रहेगा। ओके थैंक यू, बस इतना ही था इस वीडियो में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू। माँ कह दे मिट्टू, हाँ अब ऊपर चढ़ना है, यहाँ से बोलेगा क्यों भाई, खुजली भी लग गई देखो मिट्टू को, सब कुछ हो जाता है मिट्टू को नेक देर में। बस मिट्टू की मन मानी चाहिए, इतनी ऊंची टहनी बनाई है लेकिन मिट्टू ने इसकी क्या हालत करी आपको दिखाने लायक नहीं छोड़ा मिट्टू ने तो। ये देखो लकड़ी को कैसे काट काट के इसने बिल्कुल दांतों से इस तरह से कर दिया कि इसके हाथ पैरों में चुभने वाली बना दी। ये देखो पूरी पूरी लकड़ी का इसने बैंड बजा के रख दिया, इतने अच्छे से बनाई पूरी मेहनत पर। मिट्टू पानी फेर देता है हमारे कराए कराए।